प्लेजर टॉकिंग टू यू मानसी दिस साइड. सही कहा, उतार चढ़ाव तो थे और आते भी रहेंगे क्योंकि न्यूज़ फ्लोज एक एक कर कई सारे आ रहे हैं. लेकिन ऐसे में नीलेश जी, निवेशक आपका नज़रिया जानना चाहते हैं कि भारतीय बाजार में करें तो करें क्या? रेंज बाउंड मोमेंटम तो नज़र आ रहा है, ये रेंज बाउंड मोमेंटम कब तक जारी रहेगा और क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी आने वाले सालों में निवेशकों को सरप्राइज ही करेगी? मनसी, अगर आप देखें, आईएमएफ कहता है भारत 5वीं से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2028 तक बन जाएगा। हमें लगता है 2030 तक वो होगा। कोई ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है जिसे लगता है 2032 में होगा। बट कंसेंसस तो सब में यही है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। 1990 से 2021 के 30 सालों में तकरीबन इंडियन मार्केट कैप $3 ट्रिलियन बढ़ा है और तकरीबन इंडियन जीडीपी $3 ट्रिलियन बढ़ा है। अब अगर हमें 5वीं से तीसरे स्थान पे जाना है तो इस $3 ट्रिलियन को मोटा मोटा राउंडेड ऑफ 6 ट्रिलियन करना पड़ेगा। जीडीपी उतनी बढ़ेगी तो मार्केट कैप भी उसके आसपास बढ़ेगा। अब रिटेल निवेशक के पास चॉइस है, वो जाके एफएनओ में खुद ट्रेडिंग कर ले। सेबी का डेटा है कि 89% लोग लॉस करते हैं और 11% लोग पैसा बनाते हैं। हाँ जी हुई. रिटेल इन्वेस्टर खुद के दम पे भी निवेश कर सकता है मार्केट में। वहां पे भी ईटी प्राइम का डेटा है कि पिछले एक साल में उन्होंने नुकसान ही किया है, जबकि म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनीज या एफपीआई के स्टॉक ने प्रॉफिट किया है। तो ये ट्रेडिंग करने की वजह से या किसी के टिप के ऊपर निवेश करने की जगह पे अगर ये म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू निवेश करे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, तो ये 5वीं से तीसरी स्थान पे जाती हुई भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ ट्रेन में ये बैठ पाएंगे।